वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे हमने लास्ट दो लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड डिफ्लेक्शन एंगल्स। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाए तो प्लीज पहले वो लगा ले, फिर इस लेक्चर पर आए, क्योंकि ये उसी पर बेस होगा। तो उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने माई चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो देखो, आइडियल ट्रांजिशन कर्व हम पढ़ चुके हैं, क्लोथोइड पढ़ चुके हैं या फिर ग्लोवर स्पाइरल, तो सबके नाम एक है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व तो हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा Part-3 था। अब हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो ये दो में हो जाती है, कैसे कैसे, द क्यूबिक स्पाइरल में हो जाती है एक मॉडिफाई, और एक हमारा क्यूबिक पैराबोला में, मतलब कि एक क्यूबिक में होता है, एक स्पाइरल में होता है, एक पैराबोला में। तो दोनों में हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा मॉडिफाई होता है आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा द क्यूबिक स्पाइरल। तो देखो, इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक स्पाइरल हमारे y = l³ / 6rl, ठीक है। अब देखो, जिसने हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला लेक्चर लगाएगा तो वो तो यहाँ पे सिंपल समझ जाएगा कि वो उसमें से इक्वेशन आई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो देखो, यहाँ से हमारी इक्वेशन है ये y = l³ / 6rl, ठीक है। हमारी क्यूबिक स्पाइरल की इक्वेशन भी यही होती है, तो 6l³ / 6rl, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ था कि आर नॉट सिंपल अनलेस सम अप्रोक्सीमेशन आर मेड। तो हमने अप्रोक्स यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन ले ली थी, हमने इसको 1 ले लिया, एज अ 1 ले लिया। तो यहाँ पे हमारे क्या है, y = l³ / 6rl। तो कोई कहता है कि यार हमें यहाँ से भी नहीं समझ आया, तो मैं फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको ड्राइव करा देता हूँ एक बार अलग मेथड से। तो देखो, तो अप्रोक्सीमेशन मेड हेयर इज, तो देखो हमने कहा कि साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव होता है, ठीक है। हमने कहा कि स्मॉल एंगल, तो साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव हो गया। और मैंने आपको बताया था dy / dl हमारे यहाँ पे क्या होगा, साइन फाइव। तो dy / dl इज इक्वल टू हमारा साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव हो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव है। अब फाइव की यहाँ पे फॉर्मुला आपको पता है, हमने पढ़ा था आइडियल ट्रांजिशन कर्व में, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो देखो, फाइव का हमारा वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर बाय टू आर एल, ठीक है। फाइव का हमारा वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर बाय टू आर एल। तो यहाँ पे हमने वही डाल दिया, देखो एल स्क्वायर बाय टू आर एल, ठीक है। अब देखो, डी वाई बाई डी एल हमारे यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर बाय टू आर एल। तो डी वाई हमने यहाँ पे रख लिया डी एल, क्योंकि हमने वाई में लेके आना है, तो क्यूबिक स्क्वायर के लिए हमारी वाई में आती है। तो देखो, दोनों की वाई में आती है क्वेश्चन, तुम्हारी दोनों की वाई में होती है। देखो, तो वाई डी वाई बाई इक्वल टू एल स्क्वायर बाय टू आर एल इंटू में डी एल। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वाई इक्वल टू एल क्यूब, तो एल क्यूब थ्री नीचे आ जाएगा, तो सिक्स आर एल प्लस सी, ठीक है। वही आगे ना एक तरह का है ना, एल क्यूब बाई सिक्स आ रहा है, तो वही हमारे यहाँ पे आ गया। तो सी हमारा जीरो हो जाएगा, कब होएगा, जब हमारा वाई जीरो हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एल जीरो हो गया तो हमारा वाई जीरो, जब वाई जीरो हो जाएगा तो हमारा सी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर आप सी की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देयरफॉर वाई इक्वल टू एल क्यूब बाई सिक्स आर एल, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन होती है एक तरह की, ठीक है। इसमें भी आगे हम ब्रीफ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। एक बार हम क्यूबिक फॉर्मुला में पढ़ना चाहते हैं, क्यूबिक स्पाइरल हो जाएगा, क्यूबिक पैराबोला, फिर पैराबोला का हम रेडियस भी देखेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद हम इनकी ना लॉन्ग कोड की लेंथ भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में आती रहेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का ना हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम से सीढ़ियां चल रहे हैं ट्रांजिशन कर्व्स की। तो देखो, अब इसमें क्या था, क्यूबिक स्पाइरल इज सेट आउट बाय कॉर्ड्स एंड ऑफसेट्स फ्रॉम द इनिशियल टेंजेंट। तो कहता है कि जो हमारा क्यूबिक स्पाइरल होता है ना, जो वो हमारा कैसे सेट आउट होता है, कॉर्ड्स या फिर कॉर्ड्स एंड ऑफसेट्स से, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल टेंजेंट। इफ, अब देखो, इफ हाउएवर द कर्व इज सेट आउट बाय डिफ्लेक्शन एंगल्स वी गेट। तो कहते हैं कि अगर आपको डिफ्लेक्शन एंगल से करना है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको करवाया था डिफ्लेक्शन एंगल्स में, ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए एक ही लेक्चर में। तो ये हमने पढ़ा था, देखो, फाइव इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब ये हमारा उसका फॉर्मुला बन गया था, ठीक है। वही हमने फाइव की वैल्यू डाली थी एल स्क्वायर बाई टू आर एल, तो देखो एल स्क्वायर बाई सिक्स आर एल हो जाता है यहाँ पे। तो वही मैंने लिख दिया एल स्क्वायर बाई सिक्स आर एल रेडियंस, ठीक है, रेडियंस में। तो आप याद रखना है रेडियंस में, ठीक है। तो अब मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व एक तरह की क्यूबिक स्पाइरल में तो हो गया, ठीक है, एक तरह की इक्वेशन, उसमें भी हमने पढ़ा होगा इंट्रिंसिक इक्वेशन बनती थी, ठीक है। वही हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन ही है, फाइव की जो हमारी वैल्यू है ना, वही हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। अब हमारे क्यूबिक स्पाइरल में और ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना क्यूबिक पैराबोला। तो अब आता है, देखो, क्यूबिक पैराबोला, हमें तो इक्वेशन ही निकालनी है। तो देखो, वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से अगर आप जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना लेक्चर। तो देखो, x इज इक्वल टू एल, और ये हमारी पूरी अंदर फोरियर सीरीज, तो 1 माइनस फाइव की पार 2 बाई 10 प्लस 5 की पार 4 बाई 216 माइनस डेटा डैश। तो हमने से भी अप्रॉक्स 1 ले लिया। तो देखो, x इज इक्वल टू एल हो गया, और y अभी हमने देखा था, y इज इक्वल टू एल क्यूब बाई सिक्स आर एल आया था, ठीक है। तो पैराबोला में आपको x भी चाहिए होता है, y भी चाहिए होती है, आपको पता ही होता है। तो देखो, फ्रॉम दीज इक्वेशन वी गेट, तो y में बस ये है कि x इज इक्वल टू एल हो गया, तो हम l की जगह x पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई सिक्स आर एल, ये तो y = x³ / 6rl। देखो, सुपीरियर इनमें से कौन सा होता है, हमारा क्यूबिक स्पाइरल सुपीरियर होता है, लेकिन जो प्रिसीजन देता है ना हमें, वो क्यूबिक पैराबोला देता है, क्योंकि हमारे y में भी आता है, x में भी आता है। थोड़ा सा प्रिसाइजली कौन देता है हमें वैल्यूज, हमारी क्यूबिक पैराबोला। तो हम ज्यादातर क्यूबिक पैराबोला यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में भी हो, और ये अभी हम अभी ना सब हम वो एक तरह का होता है ना कि ज्ञान बटोर रहे, अभी हम सारा ना एक तरह का हम सारा कलेक्ट करेंगे और लास्ट में हम सारा कुछ क्वेश्चन में डाल लेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर आप पढ़ाई जा रहे हो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, तो आपको लास्ट में सारा क्वेश्चन में समझ आएगा।
देखो अब, देखो अब क्या होता है, देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक पैराबोला विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रॉड्स ट्रांजिशन कर्व। फ्रॉड्स ट्रांजिशन कर्व भी हम इसे कह देते हैं कभी कभी। इस इक्वेशन से जो कर्व बनेगा ना, तो क्यूबिक पैराबोला जो इक्वेशन बनते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व भी हम कह देते हैं। द यूज ऑफ बोथ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर मेड इन सेटिंग आउट द कर्व। तो वो ये कि वाई भी आ गया, एक्स भी आ गया, तो इन्होंने कहा गया द यूज ऑफ द बोथ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर मेड इन सेटिंग आउट द कर्व। ठीक है, कोई लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं हो रहे, मुझे भी पता है मैं भी शायद एक ही लेक्चर में ज्यादा कवर करवा सकता था, लेकिन मुझे है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सारे। देखो अभी यहाँ पर क्यूबिक पैराबोला भी यहाँ पे हो गया। अब देखो अब इसके बाद क्या आता है, इसका रेडियस निकालना। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको पैराबोला में हम आगे बढ़ेंगे, तो पैराबोला में आगे बढ़ेंगे तो अब देखते हैं इसका रेडियस कैसे निकलेगा। तो बात देखो, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्यूबिक पैराबोला, तो देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, y = x³/6RL, तो हमने इसको पूरा हमने क्या लिख दिया, 1/6RL को हमने m ले लिया, तो एम एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम एम एक्स क्यूब है तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, dy / dx = 3mx² = tan φ। ठीक है, dy / dx अभी हमने देखा था tan φ होता है। ठीक है, ये आपको पता है, हमने डिफ्लेक्शन एंगल्स में थोड़ा सा देखा था ये। तो देखो dy / dx = 3mx² = tan φ हो जाएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ पे tan इधर ही रह जाएगा, 3m इधर चलाएगा, और x स्क्वायर था तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट tan फाइव बाई 3m। m की वैल्यू यहाँ पे क्या, 1/6RL। ठीक है, याद रखना। ऑल्सो अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट करा तो देखो 6mx आ जाएगा। देखो ये क्यू कर रहे हैं, ये आपको अभी पता चलेगा क्यू कर रहे हैं इसको, तो देखो 6mx आ जाएगा, तो 6mx आ जाएगा, तो इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो सारी इसको क्या आ जाएगा, देखो अंदर ले जाते हैं सारा ये अंडर रूट के, जो कि अंडर रूट कहां से आया, हमारा एक्स की वैल्यू से आया। देखो एक्स हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, 6 का देखो अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 36 हो जाएगा, तो एम का लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाता है, वो तो आपको पता ही है, तो 36m² tan φ/3m। ठीक है, अब ये अगर हम इसको कहते हैं इक्वल टू, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमने एम से एम काटा, 3 से हमारा 36 से कटा, तो 12 आ जाएगा, तो देखो अंडर रूट 12m tan φ। तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन हमारी यहाँ पे क्या आती है, 12m tan φ। ठीक है, अब ये चीजें आ गई, तो देखो अब ये चीज भी आ गई, ये चीज भी आ गई। अब देखो हम ये क्यों निकाल रहे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, फॉर्मुला आपने पढ़ा है प्लस वन प्लस टू में, जब आपने मैथ्स पढ़ी है उसमें। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमारा ये वाला फॉर्मुला होता है रेडियस का, देखो r इक्वल टू ब्रैकेट में देखो 1 plus dy / dx का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर क्या है, होल पार क्या होती है इसकी, 3/2। ठीक है, 3/2 डिवाइडेड बाई d² φ / dx², तो डी इसकी डबल डिफरेंशिएशन होती है, देखो d² y / dx², तो ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आपको पता है, इसलिए हम वैल्यू निकालते हैं। dy / dx की यहाँ पे आपको वैल्यू पता है, dy / dx की आपकी tan है। ठीक है, तो tan आपने यहाँ पे पुट कर दिया, देखो 1 plus tan² φ। ठीक है, ब्रैकेट में आपको पूरा आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय, आपने निकाला था डबल डिफरेंशिएशन, तो d² y / dx², तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी, आपने ये वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अप्रॉक्स 1/√12m sin φ cos φ। ठीक है, मतलब कि 5 बार हो गया ये, 5 × 5 हो गया ना, मतलब इसकी cos φ की पावर 5 होगी। ठीक है, ये आपका ऐसे आ गया। तो देखो अब ऊपर हमने लिखा था मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्यूबिक पैराबोला, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ रेडियस निकाला, हमने मिनिमम नहीं निकाला। देखो मिनिमम कैसे होएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता है कि डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 में पुट कर देना होता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये तो सिंपल मैथ्स है। तो अब आगे देखते हैं, तो देखो r हैज अ मिनिमम वैल्यू व्हेन sin φ cos φ की पावर 5 इज मैक्सिमम। ठीक है, हैंस डिफरेंशिएटेड इक्वेटिंग टू 0 वी गेट। तो वही कि डिनोमिनेटर मैंने वही आपको बताया कि मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको देखो क्या निकलता है, cos φ की पावर 6 - 5 sin φ की पावर 2 * में cos φ की पावर 4 = 0। इसको 0 में पुट करा, अब यहां पे देखो कॉमन ले लिया हमने, यहां पे cos cos कॉमन लेके इक्वल टू यहां पे कट कर दिए, तो 1 माइनस यहां पे देखो 1 माइनस 5 tan स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 cos ऐसे नीचे ले लिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे tan स्क्वायर 5 इक्वल टू 0 आ जाता है। tan 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1/√5। तो देखो हमें यही एंगल निकालना था एक बार। ठीक है, हमारा ये एंगल निकल गया, तो क्या निकला, फाइ हमारे 24°5′41″। ठीक है, आपको ऐसे मिल गया। ठीक है, अब देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, अभी जो फाइ की वैल्यू है ना आपको यहाँ पे रेडियस में डाल देनी है। ठीक है, ये वाले रेडियस में डाल देनी है, क्योंकि हमने कह दिया कि ये जो फाइ है ना यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू देगा रेडियस की, जो हमारे कर्वेचर का रेडियस होगा ना क्यूबिक स्पाइरल में, सॉरी क्यूबिक पैराबोला में, उसमें हमारे मिनिमम देगा। ठीक है, इससे हमारे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे हमने पुट किया, तो आर मिनिमम हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1.39√RL। देखो अब आप पूछोगे आर एल कहाँ से है, तो एम की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाई 6RL, 1/6RL होता है, तो हमने एम की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। सब कुछ पुट करके हमारे क्या निकला, आर मिनिमम इक्वल टू 1.39√RL। ठीक है, बस आपको ये दो एक्सप्रेशन ही याद करने हैं। ठीक है, आपको एक ये वाला एंगल याद रख लेना और आपको एक आर मिनिमम याद रखना है, 1.39√RL। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CTM।
देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, देखो इससे हमें क्या कंक्लूजन आता है, देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्यूबिक पैराबोला डिक्रीजेस फ्रॉम अ वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, तो फाई जीरो हो गया तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया, टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1.39 अंडर रूट आर एल व्हेन फाई इज इक्वल टू 24 degrees 5 minutes 41 seconds. ठीक है, तो कहते हैं कि इन्फिनिटी से लेके हमारा मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी 1.39 अंडर रूट आर एल, तो आर भी कुछ भी हो सकता है एल भी कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज पुट करेंगे आर मिनिमम आएगा इस पे आएगा. ठीक है, अगर आप देखो अब इसके बाद भी हमारा ये बढ़ जाता है एंगल, ठीक है इसके बाद भी हमारा बढ़ जाता है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, वो दोबारा से रेडियस बनना शुरू हो जाएगा जो कि यूजलेस है. ठीक है, वो ट्रांजिशन का वो हमारा बनेगा ही नहीं फिर. ठीक है, तो बस यहाँ तक हमारे मिनिमम आता है, देखो इससे भी कम अगर एंगल चला जाता है तो हमारा वो यूजलेस होता है, रेडियस दोबारा से बढ़ना हमारा शुरू हो जाएगा. तो ये हमारा पूरा रेडियस था किसका, क्यूबिक पैराबोला का. ठीक है, ये वाला लेक्चर बस यहीं तक था, इसमें सिर्फ हमें वैल्यू क्या चाहिए थी, हमने क्या निकाला है मॉडिफिकेशन निकाली. ठीक है, मॉडिफिकेशन में हमने क्यूबिक स्पाइरल की भी निकाल दी और क्यूबिक पैराबोला भी निकाल दी. देखो स्पाइरल की आपको इक्वेशन पता लगी और हमने आर मिनिमम यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा पैराबोला बहुत ज्यादा यूज होगा. ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी यूज होगा हमारा पैराबोला. तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व. तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लगाए तो वो भी लगा लेना, पता है क्या इसके ना कड़ी जुटती है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है हमने लास्ट तक क्वेश्चन तक, क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा, ये हर एक लेक्चर की एक ना एक चीज तो आएगी आएगी हर एक क्वेश्चन में. तो मैंने ऐसे डिजाइन कर रखे सारे क्वेश्चन, डेली अपलोड हो रही है वीडियो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे डेली डेली. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविन साइको सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.